पहाड़ों पर बर्फबारी, सर्द हवाओं ने जिले में बढ़ाई ठंड। नमस्कार, मैं उमेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं एटीबी न्यूज। आज मैं मौजूद हूं महाराजगंज जिले के नौतनवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा रामनगर में, जहां लोगों के द्वारा सड़क के किनारे ही अलाव की व्यवस्था की गई है। जो राहगीर है वो भी जा रहे हैं, ठंड में ठिठुर रहे हैं, तो आके यहाँ पे आग का सहारा ले रहे हैं। सरकार के द्वारा इस ठंड में क्या कुछ कमी रह गई है? जी हाँ, सरकार को चाहिए कि प्रधान के माध्यम से अलाव की व्यवस्था कराई जाए, कुछ प्रधान के माध्यम से लकड़ी उकड़ी चौराहे पर जलाया जाए। कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ। हाँ, सब अपने तरफ से व्यवस्था हुआ है। तो ये जो व्यवस्था है ये आप लोगों के द्वारा किया गया? हम लोग की अपने से जी। तो सरकार के द्वारा कोई मतलब व्यवस्था नहीं है जी, तो इन लोगों का सीधा आरोप है कि सरकार के द्वारा कोई भी व्यवस्था इस ठंड में नहीं की जा रही है। सर, ये बताइए कि सरकार के द्वारा क्या कुछ कमी रह गई है? हाँ, कमी रह गई है कि यहाँ पे आग की व्यवस्था की जानी चाहिए जी। तो ये जो आग की व्यवस्था है, जो जगह जगह मतलब आग जलाया जा रहा है, इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है? कोई मतलब आग की व्यवस्था नहीं कराई गई है? नहीं कराई गई है अभी तक जी। तो सरकार के द्वारा क्या कुछ व्यवस्था की गई है? कुछ आलों के लिए जरूर व्यवस्था होनी चाहिए जी। तो ये जो लकड़ियां जलाई जा रही है जगह जगह, इसमें सरकार का कोई भूमिका नहीं है? मतलब कोई भी व्यवस्था सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा है? अभी तक तो कोई व्यवस्था नहीं है, फिर अपने खुद इधर से करके लोग आप लोग मतलब क्या चाहते हैं कि सरकार के द्वारा भी कुछ व्यवस्था? अगर कुछ व्यवस्था होती है तो आलोक के लिए, आदमी को ठंडे के लिए आराम मिल जाएगा जी। तो ये इनका कहने का मतलब है कि सरकार के द्वारा अगर कुछ व्यवस्था हो पाए तो इस ठंड में अलाव की व्यवस्था हर जगह कराई जाए। और जिला अधिकारी यहाँ के जो अन्य झा है, उन्होंने शिक्षण संस्थानों को बंद करने का आदेश दिया है, और वही जिला अधिकारी ने सख्त निर्देश दिया है और लोगों से अपील भी किया है कि अनावश्यक कहीं भी आप लोग बाहर ना जाएं। अमित श्रीवास्तव, एटीबी न्यूज, महाराजगंज।